MBA HRD फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक क्वालिटी एस्पेक्ट है और ये बेसिकली इंजीनियरिंग के पेपर के रूप में जाना जाता है। मैनेजमेंट में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मार्केटिंग मैनेजमेंट में किया जाता है, लेकिन क्वालिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी जनरल तौर पे सबको ज़रूरत होती है, और उसी एस्पेक्ट को समझने के लिए हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इस पेपर को सम्मिलित किया है। जो आज का हमारा टॉपिक है या जो आज का हमारा सिलेबस है जिसको मैं आज कवर करूँगा, वो है रोल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। रोल, जैसा कि पता ही है कि रोल का मतलब होता है कि जो भूमिका होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, क्या रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे कॉरपोरेट लाइफ में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया कि क्वालिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि इंडियन कम, जापानीज ज़्यादा है। ज़्यादातर फिलोसोफर इसमें जापानीज हैं, इशिकावा, जुरान, डेमिंग, जो भी उन्होंने क्वालिटी पैरामीटर्स दिए हैं उन्होंने जापानीज कंटेक्स्ट में दिए हैं। वो अलग बात है कि इसको आज वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है और वर्ल्ड वाइड इसकी यूटिलिटी भी है, रेलेवेंस भी है। अगर हम रोल की बात करें तो चार ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जिसपे हमें उसके रोल को समझने में आसानी होगी। पहला तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कोई भी क्वालिटी जब कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करती है, जो कस्टमर होता है उसकी जो नीड्स है, वांट्स है, डिज़ायर्स है, एक्सपेक्टेशन है, वो हर दिन बदलती रहती है, और ये एक मनुष्य का एक नेचुरल स्वभाव है, नेचुरल बिहेवियर है, जिसको रीड करने की, समझने की बहुत ज़रूरत है। इंसान अगर इस प्रवृत्ति का नहीं होता तो जितना भी डेवलपमेंट हम आज देख रहे हैं पूरे विश्व में, उसके पीछे यही उसकी प्रवृत्ति है जिसने उसको इतना डेवलपमेंट करने के लिए आगे बढ़ाया है। कोविड का दौर है, कोविड का ये दौर भी कुछ समय बाद हमें समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं रहीं। और क्वालिटी एस्पेक्ट से हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करें तो आज से एक साल पहले जब कोविड आया था और आज जब कोविड है, भले ही ये उससे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में दिख रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं से आश्वस्त हैं कि हमारे पास वैक्सीन है। तो ये वैक्सीनेशन और भी रिसर्च से और सुधार होगा, इसमें और भी अमेंडमेंट्स होंगे, और भी चेंजेस होंगे, और भी रिसर्च होगी, और भी कह सकते हैं कि फुल प्रूफ वैक्सीन हमें मिलेगी। ये भी एक क्वालिटी पैरामीटर ही है जो कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता है। दूसरा एस्पेक्ट क्वालिटी का जो रोल है वो है अपडेटेशन के कंटेक्स्ट में, कि चीज़ों को हम जितना ज़्यादा अपडेटेड रखेंगे, जितना ही ज़्यादा रिसेंट रखेंगे, जितना ही ज़्यादा रेलेवेंट रखेंगे, वो हमारे लिए अच्छा होगा। तीसरा और चौथा जो रोल है क्वालिटी का, जिसे हम कह सकते हैं कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना और टाइम को मिनिमाइज़ करना, क्योंकि कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में पहली बार लॉन्च होता है, इन्वेंशन होता है, फिर उसमें इनोवेशंस होते हैं, आप देखेंगे कि वो डे बाय डे उसमें उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो घटती चली जाती है, और उसकी जो क्वालिटी है, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें मोबाइल सर्विसेज का, तो आज से 20 साल पहले जो मोबाइल सर्विसेज सर्व की जाती थी और आज जो मोबाइल सर्विसेज सर्व की जाती है, कंपैरेटिवली सस्ती भी है और कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि अब ये कम टाइम में हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम रोल के कंटेक्स्ट में बात करें तो चार पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, दूसरा हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, तीसरा हमें कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहिए, और चौथा हमें किसी भी कीमत पे टाइम को भी रिड्यूस करना चाहिए। तो ये चार रोल हैं जो कि मुझे लगता है कि क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा लिटरेचर आपको किताबों में मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है इंटरनेट पर मिलेगी, तो आप इन चार पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी करेंगे तो बेहतर होगा। प्रिंसिपल्स की बात करें तो दो तरह के प्रिंसिपल्स क्वालिटी मैनेजमेंट में आते हैं, एक है उसका मेन प्रिंसिपल और दूसरा है उसका ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स। मेन प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, नेमली मैं उनका नाम बोल देता हूँ। जैसे कि पहला प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस। क्वालिटी मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं प्रिंसिपल है कि इट इज़ कस्टमर सेंट्रिक।
कस्टमर की जो भी डिमांड होगी, कस्टमर जैसा सोच सकता होगा, कस्टमर जो चाह रहा होगा, अगर प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर उसको निकाल के उसको बना के देगा तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है क्वालिटी मैनेजमेंट का, या प्रिंसिपल है क्वालिटी मैनेजमेंट का, जहाँ पे हम कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट देते हैं। और कस्टमर एक इम्पॉर्टेंट, कंज्यूमरिज्म के थियोरी में कस्टमर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी डेवलपमेंट आपको आज दिख रहे हैं, चाहे वो लिबरलाइजेशन की बात हो, प्राइवेटाइजेशन की बात हो, ग्लोबलाइजेशन की बात हो, हर कंटेक्स्ट में कस्टमर सेंट्रिक होके ही हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। दूसरा लीडरशिप आस्पेक्ट है। लीडरशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। आप देखेंगे कि जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं उनके जो CEOs हैं, उनकी जो अपनी फिलॉसफी है, अपनी सोच है, बहुत ही इनोवेटिव सोच होती है। वो इमिटेट करने में बिलीव नहीं करते, वो क्रिएटिव होते हैं, वो लीड करते हैं, वो अपना ट्रेंड सेट करते हैं, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी के लिए। क्योंकि जो हम लोग हैं, हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है लाइफ से, वो हमेशा न्यूनेस के लिए है। और जो अच्छे लीडर्स होते हैं, जितने भी टॉप CEOs हैं वर्ल्ड वाइड, आप उनको देख सकते हैं कि उनकी एक क्वालिटी है जो कि इनोवेशन में बिलीव करती है, क्रिएटिविटी में बिलीव करती है। तो दूसरा पैरामीटर। तीसरा, पीपल को इन्वॉल्व करना क्वालिटी के साथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जहाँ पे क्वालिटी होती है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, लोगों को पूरी जानकारी दी जाती है। जो अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो अपने पूरे कंटेंट को अपने पब्लिक के सामने या फिर कस्टमर के सामने रखते हैं। आप जितने भी अच्छे ब्रांड्स देखेंगे, वो जो भी एक्सटर्नल डेटा होता है वो टोटली सबके लिए ओपन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इससे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पे चीज़ें छिपाई जाती हैं, जहाँ पे चीज़ें सीक्रेट रखी जाती हैं, जो कि इतना ज़रूरी नहीं होता, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट्स भी आते हैं। तो क्वालिटी हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, चौथा जो आस्पेक्ट है वो है प्रोसेस अप्रोच का। अगर हम मार्केटिंग आस्पेक्ट पे जाएं तो अर्लियर मार्केटिंग को 4 P's से हम डिनोट करते थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशंस। फिर फिलिप कोटलर ने ही 3 P ऐड किया, प्रोसेस, पीपल और फिजिकल एविडेंस। तो प्रोसेस को समझना, प्रोसेस को जानना, ये भी कस्टमर का एक तरह से राइट है। जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो पूरे प्रोसीजर को, प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखते हैं और कस्टमर को बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे कस्टमर को नहीं जानना चाहिए। उससे कस्टमर के अंदर एक रिलायबिलिटी आती है, एक ट्रस्टवर्दीनेस आता है, एक क्रेडिबिलिटी भी क्रिएट होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जापानीज आस्पेक्ट है, लेकिन उसका जो यूटिलिटी है वो ग्लोबल है, वो हर जगह वो फॉलो करता है। हो सकता है कि कल्चर वाइज या कहीं कहीं एनवायरनमेंट वाइज कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन हर जगह क्वालिटी एक ही तरह से, क्वालिटी नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी फैशन से आउट नहीं होती, वो हमेशा ट्रेंड में बनी रहती है। पांचवा, सिस्टम अप्रोच की बात हम कर सकते हैं। जब भी चीज़ों को हम सिस्टमैटिक करते हैं, ऑटोमेटिकली वो हमें अट्रैक्ट करता है। जब हम चीज़ों को अनसिस्टमैटिक करते हैं, रैंडम करते हैं, तो समटाइम्स इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में वो ठीक लग सकता है, लेकिन फॉर्मल कंटेक्स्ट में हमेशा हर व्यक्ति चाहता है कि चीज़ें सिस्टमैटिक हों, साइंटिफिक हों। तो सिस्टम अप्रोच पांचवा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि क्वालिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो छठवा प्रिंसिपल कह सकते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के, अगर हम मोबाइल कंपनीज़ का या मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स का एग्जाम्पल ले, तो जब ये शुरुआत हुई तो लोग इतने से ही खुश थे कि उनके टेक्स्ट मैसेजेस, पहले पेजर आया, फिर मोबाइल में ही टेक्स्ट मैसेजेस आप भेज सकते थे, फिर उसमें इंटरनेट को इनबिल्ट किया गया, फिर इंटरनेट के अलग अलग जनरेशन को बिल्ट किया गया, 2G, 3G, 4G, 5G, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आने वाले समयों में ये कितना एडवांस हो जाएगा। तो ये एडवांसमेंट जो भी हो रहा है वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम्पल है। क्वालिटी की जो आज की डेफिनीशन है वो 10 दिन बाद वही डेफिनीशन चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट फिलॉसफी। फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, जब कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, आपको पता है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, टॉप भी होता है, मिडिल भी होता है, लोअर भी होता है, और इसमें हम फैक्चुअल अप्रोच की, फैक्ट क्या है, जो ट्रुथ है, जो कि रियल है, जिसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है,
तो फैक्चुअल चीज़ें ही हमेशा सर्वाइव करती हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम कुछ एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि एक झूठी बातें बता सकते हैं, लेकिन फाइनली जो एग्जिस्ट करता है वो फैक्ट ही एग्जिस्ट करता है। तो क्वालिटी का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, सातवां प्रिंसिपल है, जहाँ पे हम फैक्चुअल होने की बात करते हैं, और डिसीजन पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसीजन एक, कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को हम चूज़ करते हैं और उसको पुट करते हैं। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है, कभी कभी वो हमें फेवरेबल रिज़ल्ट आता है, कभी कभी अनफेवरेबल रिज़ल्ट आता है। फेवरेबल रिज़ल्ट आता है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, अनफेवरेबल रिज़ल्ट आता है तो हम फीडबैक लेके फिर से उसमें कुछ चेंजेस अमेंडमेंट करके अपने डिसीजन को इम्प्रूव करते हैं। एंड फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है या सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है मेन प्रिंसिपल्स में, वो है म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। जो सप्लायर है, हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिफरेंट सप्लायर से कॉन्टैक्ट करता है, वो डिफरेंट सप्लायर से चीज़ें लेता है। अगर सप्लायर ने उसमें क्वालिटी में किसी भी तरह की कमी रख दी तो वो चाह के भी उस लेवल की क्वालिटी कस्टमर को नहीं दे सकता जो वो देना चाहता है। तो जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं, जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, जिनको आप क्वालिटेटिव कहते हैं, जिसको आप ब्रांड कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल उनके सप्लायर्स का होता है। अगर उनके सप्लायर्स की जो आपूर्ति है वो प्रॉपर होती है तो निश्चित रूप से उससे उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो डे बाई डे इम्प्रूव होती है। क्वालिटी कभी भी जो है वो प्रोड्यूसर की डिमांड नहीं होती, क्वालिटी हमेशा कस्टमर की डिमांड होती है। कस्टमर अगर उसे अप्रूव करता है, कस्टमर उसको वेरीफाई करता है, तभी हम प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव मानते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम कभी कभी गलत प्रोडक्ट को भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं, लेकिन सर्वाइव वही करता है जिसमें दम होता है, जिसमें क्वालिटी होती है। इसके अलावा ऑपरेशन प्रिंसिपल्स भी हैं। कोई भी क्वालिटी लोकल है, कोई भी क्वालिटी अगर केवल एक सीमित क्षेत्र में है तो उसे हम क्वालिटी नहीं मानते। कोई भी बड़ा ब्रांड है वो यूनिवर्सल अपील को पोजेस करता है। तो पहली इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है, वो है उसकी यूनिवर्सल क्वालिटी। दूसरा, इन्वेंट्री रिडक्शन। हम ज़्यादा अगर स्टॉक बना लेते हैं तो वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है, और न्यू एंड ओल्ड दोनों का अपना एक आस्पेक्ट होता है। हमेशा न्यूनेस जो जहाँ होगी, जहाँ पे न्यूनेस होगी वो एक क्वालिटेटिव कंटेक्स में माना जाएगा, और जैसे जैसे वो चीज़ें पुरानी होंगी वो कभी भी क्वालिटेटिव नहीं माना जाएगा। तो हमें अपनी इन्वेंट्री को, कोई भी जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं आप देखोगे कि उनकी इन्वेंट्री, उनका स्टॉक बहुत ज़्यादा वो नहीं रखते, हमेशा वो चेंज करते रहते हैं, जल्दी से जल्दी स्टॉक ख़त्म करते हैं, फिर नया स्टॉक आता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट हो, या मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो, कहीं पे भी इस थियरी को आप अप्लाई करके उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल जो प्रिंसिपल है वो है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज मेंट फॉर टू इम्प्रूव द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल। अगर ट्रेंड पीपल होते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो बिहेवियर होता है वो एक अनट्रेंड पर्सन से बेटर होता है। चाहे वो फाइव स्टार होटल्स की आप बात कर लें, फाइव स्टार होटल्स में जो उनका स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, वो ट्रेंड होता है। उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू बिहेव विद कस्टमर, हाउ टू टॉक विद कस्टमर। जहाँ भी आप ब्रांड्स की बात करेंगे, जहाँ भी आप क्वालिटी की बात करेंगे, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर हम ट्रेनिंग को दे पाएँ, ट्रेंड कर पाएँ लोगों को, तो निश्चित रूप से ये क्वालिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज इतना ही, मैं अपने लेक्चर्स को शॉर्ट रखता हूँ, आप सब लोग अपनी फर्दर स्टडी भी करेंगे। और मैं तो एक बात कहने के लिए आता हूँ जो जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स भी है, क्योंकि ये मेरी खुद की ओपिनियन हो सकती है, जो कि डिफरेंट टॉपिक से, डिफरेंट पॉइंट से मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ये वेरी भी कर सकता है। तो आप बुक्स का भी सहारा लें, आप उसके साथ साथ इंटरनेट का भी सहारा लें। ये केवल आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मेरा लेक्चर है। इसको आप फाइनल और अल्टीमेट नहीं मान सकते, नहीं मानना भी चाहिए। आप सबकी बात सुनिए, लेकिन जब तक आपका खुद का ओपिनियन किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे नहीं बनता है, फिर वो आपका कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। तो आपकी अपनी मस्तिष्क की सीमा है, मेरी अपनी मस्तिष्क की सीमा है, मैं अपनी सीमाओं में अपनी बात करता हूँ। आप हो सकता है उससे ज़्यादा, मुझसे बेहतर
इन बातों को समझ सकते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मुझसे बेहतर करेगा, ये मेरी हमेशा से एक्सपेक्टेशन रही है। मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई ईगो नहीं है जहाँ पे मैं ये कहूँ कि मैं ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और जो भी बातें मैं कहता हूँ वही सत्य है। कुछ भी सत्य असत्य नहीं है, हमारा जितना भी ज्ञान होता है उस ज्ञान के आधार पर अपनी बातें कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नॉलेज के साथ साथ अपने आप को भी कंपोज करें, अपना भी ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। कोविड का पीरियड है जिसकी वजह से हम लोग इस इनडायरेक्ट सोर्स से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। क्लासरूम की टीचिंग का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी हमें चूँकि अभी एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम लोग इस तरह से मुखातिब हो रहे हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे असाइनमेंट्स को आप सीरियसली लें। पहले तो मेरा लेक्चर देखने के बाद तुरंत आप कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर जरूर डाल दें, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आपने ये लेक्चर पूरा सुन लिया है। उसके बाद मैं डिफरेंट असाइनमेंट्स आपको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से दूंगा। आप लोग सब लोग मुझसे भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी अपनी बातें। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें और पॉजिटिव रहे। जब हम अपने आप को इंगेज रखेंगे इन सब चीज़ों में तो निश्चित रूप से कोविड का जो असर है वो हमारे ऊपर कम पड़ेगा। हम जितनी ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ से दूर रहेंगे, जितनी ज़्यादा निगेटिविटी से दूर रहेंगे, उतना ही हमारा हेल्थ बना रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस लेक्चर को सुना और असाइनमेंट्स को टाइम पे और सीरियसली अगर आप लेंगे तो इससे आपका ही डेवलपमेंट होगा। थैंक यू सो मच।